हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में, जहां आज मैं भारत के सबसे रहस्यमय प्लेसेस में से एक द्वारका नगरी के बारे में बात करने जा रहा हूं। द्वारका एक पवित्र शहर है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण का राज्य माना जाता है। ये भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है। लेकिन द्वारका सिर्फ एक मैथोलॉजिकल सिटी नहीं है, बल्कि ये एक रियल हिस्टोरिकल सिटी है जो हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था। और क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनल द्वारका सिटी अरब सागर के नीचे डूबी हुई है। द्वारका एक खोया हुआ शहर है जो सदियों से दुनिया से छिपा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिकों ने द्वारका नगरी की खोज कैसे की, उन्होंने वहां क्या खोजा। धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका का निर्माण भगवान कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर गोमती नदी के मुहाने के पास भूमि का एक टुकड़ा चुना, जहां दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का यूज करके एक रात में द्वारका का निर्माण किया। शहर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था और इसमें 12 द्वार, 7 लाख महल, ब्यूटीफुल गार्डन्स, मंदिर और तालाब थे। और ये नगर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा प्रोटेक्टेड था। द्वारका श्री कृष्ण के राज्य की राजधानी थी और प्राचीन भारत में संस्कृति, धर्म और राजनीति का केंद्र थी। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंत तक 36 वर्षों तक द्वारका पर शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद शहर को ऋषि दुर्वासा द्वारा शाप दिया गया था, जो कृष्ण जी के पोते वज्र से नाराज थे। उन्होंने श्राप दिया कि द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और यादव आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। श्राप सच हो गया और द्वारका अपनी महिमा और धन के साथ लहरों में घिर गई। यादव वंश के बचे हुए लोग भारत के अन्य हिस्सों में चले गए और द्वारका को इतिहास ने भुला दिया। लेकिन द्वारका पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। शहर का कुछ हिस्सा किनारे पर रह गया और आधुनिक द्वारका बन गया, जो आज भी एक तीर्थ स्थल है। द्वारका की पहली वैज्ञानिक खोज 1963 में डेकन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ गुजरात और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम द्वारा की गई थी। उन्होंने द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर के पास की भूमि की खुदाई की और उन्हें सेकंड मिलेनियम BCE के मिट्टी के बर्तन, सिक्के और स्ट्रक्चर्स मिले। उन्हें समुद्र में फैली एक जलमग्न शहर की दीवार के एविडेंस भी मिले। 1981 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग को इजलैंड ऑफ बैट द्वारका के पास एक किले जैसी दिखने वाली एक जलमग्न संरचना भी मिली, जिसे श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने द्वारका तट के पास एक सोनार सर्वे किया और एक जलमग्न शहर के काफी सबूत पाए, जो 9 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। उन्हें एक चबूतरा, पिलर्स और एक ट्रायंगुलर पत्थर भी मिला, जो कि एक मंदिर जैसा दिखता था। इन खोजों ने साबित कर दिया है कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक शहर था, जिसमें शहरी योजना, वास्तुकला और इंजीनियरिंग थी। उन्होंने कई सवाल भी उठाए, जैसे द्वारका समुद्र में कैसे डूब गई, क्या ये भूकंप सुनामी के कारण था या जैसा कि धर्म ग्रंथ कहते हैं वैसा ही हुआ। द्वारका कितनी पुरानी है, इसकी स्थापना कब हुई और इसे कब त्याग दिया गया, अपने गौरवशाली दिनों में ये कैसा दिखता था, प्राचीन भारत में द्वारका का रोल और इन्फ्लुएंस क्या था, इसके पास क्या ज्ञान और तकनीक थी, ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आगे रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के बाद ही सुलझेंगे। तो दोस्तों, ये थी भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका की कहानी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।